हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो कल हमने अप्रॉक्सीमेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। उससे पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट करवाया था अप्रॉक्सीमेशन का। तो मैंने आप सब स्टूडेंट्स से पूछा था कि आप मुझे अपने डाउट्स भेजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मुझे डाउट्स भेजे हैं, बहुत सारे नहीं एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो एग्जैक्टली मुझे 14-15 क्वेश्चन मिले हैं। उनमें से आज मैं 5 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा जो मुझे लगे कि वर्थ है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एंड आप लोगों से के साथ शेयर करने, आपको बताने का कि कैसे उन्हें अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज बिल्कुल डाउट क्लियरिंग सेशन है हमारा पहला कि कैसे, वैसे ये बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा एक सीरीज़ है। अगर ऐसे करते मुझे थोड़ा सा खुद को बेटर लग रहा है कि एक अप्रॉक्सीमेशन का चैप्टर पकड़ा, उसमें से 3-4 वीडियोज़ बना रहा हूँ, लेक्चर्स बना रहा हूँ, फिर एक डाउट क्लियरिंग सेशन आ रहा है, फिर एक वर्कबुक भी आएगा। तो ऐसे करते करते अगर हम 4-4, 5-5 दिन में भी अगर एक चैप्टर करते हैं फिर भी हमारे पास काफ़ी टाइम बचता है, क्योंकि साथ में इंग्लिश भी चल रही है। अगर आप रेगुलरली चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश के लेक्चर्स सेपरेटली आ रहे हैं रेगुलरली, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, मैं क्वांट और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, पहले ही बोल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन को देखिए, आपने ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोगों को यही बोलूंगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं, आप देखते रहते हैं वीडियो देखते रहते हैं, उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करने की एक कोशिश कीजिए, एक ट्राई कीजिए कम से कम। स्क्वायर रूट थोड़े थोड़े याद होने बहुत ज़रूरी हैं, स्क्वायर्स याद होने ज़रूरी हैं, क्यूब रूट याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब याद नहीं है टेक्निक सीख लीजिए, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल के रखी है। तब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें अभी हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आंसर्स जो है 1296, 6, 36, 216 बहुत दूर दूर है। अगर मैं एग्जैक्टली आंसर देखूं तो बहुत दूर है। आप थोड़ा दूर से भी अपना कैलकुलेशन पकड़ेंगे, दूर से कैलकुलेशन तकरीबन जो मैं कहता हूँ तकरीबन आंसर भी निकाल लेंगे, फिर भी आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अभी इसका 4.4, अभी 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 20। इंस्टेड ऑफ डूइंग 4.4 का स्क्वायर, मैं 4 का स्क्वायर मेरे को पता है 16, 5 का 25, तो ऑब्वियसली मैं 20 पकड़ लूंगा यहाँ पे। 4.5 है तो मैं 20 पकड़ के चलता हूँ, 18-19 हो सकता है, 21 हो सकता है, छोड़िए 20 पकड़ के चलिए यहाँ पे। मैंने पीछे बोल दिया 5 का स्क्वायर 25 होता है वैसे, तो 785। अभी यहाँ पे देखिए नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा। अभी देखिए स्क्वायर रूट याद नहीं होते हैं, अगर क्यूब रूट याद नहीं भी होते हैं तो भी इट्स ओके, कई लोगों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं भी होती, तो लॉजिक यूज़ कीजिए। 785, मैं अपने खुद से अगर बताऊं कि यार इसका तकरीबन 26-27 होगा कुछ नंबर, क्योंकि बहुत दूर है, एस्टिमेशन दूर से भी लगाएंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका आप कह लीजिए कि 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है, राइट, और 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, तो ये 25 से 30 के बीच बीच में होगा। अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं भी है तो मेरे हिसाब से 28 होगा ये, राइट, जो 28 पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं है, इसके तकरीबन होगा ये। 2.3 को अभी 2.3 रहने दीजिए, 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, राइट, तो ये 410 का समथिंग हो जाएगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे थोड़ी दूर की कैलकुलेशन पकड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अभी इसको ध्यान से देखिए कैसे करना है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, याद रखिए बॉड मास की टिक्री, ये जो बेसिक रूल आप में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व ऐसे प्रॉपर तरीके से करेंगे, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन एक तरीके से ऑर्डर से सॉल्व कीजिए, बॉड मास याद रखिए, 6th क्लास में कराते हैं तो कई बार बंदा भूल जाता है, तो इसको याद रखिए, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर बाद में प्लस करेंगे। तो सीधे सीधे 28 टूज का कितना होता है, पहले दिमाग को एक बार चलाइए, कोशिश कीजिए। यहाँ पे सीधा सीधा एस्टिमेशन बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 28 को सीधा 30 मान लो, ये बहुत गलत है। 28 का टेबल तो यार थोड़ा सा तो आना चाहिए ना, सीधा सीधा दिमाग में ही हो जाता है कि यार 56 हो जाएगा, चलो 560 ये हो गया, इसको 2.3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 400 में प्लस करना है। ये स्टेप्स मैं सिर्फ आपको बताने के लिए
आपको बताने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, समझना है, एक ही लाइन में सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को देखो 5 सेकंड 10 सेकंड, फिर एक ही लाइन में सॉल्व करो। ये 560 को अगर 2 से सीधा सीधा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1120 आ जाएगा। इसका 0.3 है जो, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत डिफरेंस कर ले आती हैं। इसका 0.3 कितना होगा, 30% कितना होगा, तो सीधा सीधा अगर मैं देखूँ तो कम से कम 150 हो जाता है, 150 160 कह लीजिए। तो ये यार काफ़ी डिफरेंस ले आता है अगर ये आपको 0.3 को छोड़ देंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, आपके क्वेश्चन में बहुत एरर आ सकता है, एरर जो आपका बढ़ सकता है अगर ये आप यहाँ पे एस्टिमेशन नहीं लेना है, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली निकालना है। 560 को 2.3 से मल्टीप्लाई करना और 2 से मल्टीप्लाई करना, देखिए कितना डिफरेंस है, 160 का डिफरेंस ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आप ध्यान से देखिए कि कहाँ आपने एस्टिमेशन लेना है और कहाँ नहीं लेना, आपको पता होना चाहिए। तो 1280 में मैं सीधा सीधा 400 प्लस कर देता हूँ, 1680 के तकरीबन आ गया है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, राइट, एंड इसका पहले निकाल लेते हैं। 1680 है, एग्जैक्ट कौन निकालेगा, अप्रॉक्सीमेशन है और आंसर जो ऑप्शंस हैं बहुत दूर दूर हैं, तो इसका तकरीबन मैं 40 पकड़ लेता हूँ, 40 से 41 बहुत है, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है, तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा, ये 40 का अंडर रूट। अभी 40 का अंडर रूट कितना, अभी आंसर देखो, 1296 तो बिल्कुल नहीं होगा, 36 भी बिल्कुल नहीं है, 216 बिल्कुल नहीं है, 64 बिल्कुल नहीं है, तो ये तकरीबन 6 है, ये इसका आंसर है। आंसर्स जो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, वो भी तकरीबन ही होते हैं, वो एग्जैक्टली नहीं दिए होते। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ही यही है। अब चैप्टर के नाम को समझिए कि अप्रॉक्सीमेशन, ये खाली अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस में काम नहीं आएगा, ये आपका पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूरे जगह जगह डेटा इंटरप्रिटेशन में, इवन बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस में आपको ये टेक्निक काम आएगी अप्रॉक्सीमेशन की। अब ये क्वेश्चन मुझे आई थिंक मिस्टर गुनीत शर्मा ने भेजी थी, नहीं मिस गुनीत शर्मा, गुनीत शर्मा ने भेजी थी, तो ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, 6 का रूट जगह जगह दिया हुआ है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, 91 और 7 98 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 3 7, क्योंकि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। बॉर्डमास की टेक्निक याद रखिए, टेक्निक नहीं है, बॉर्डमास का रूल है, उसको याद रखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये 24 इसको यहाँ पे ले आइए। अब क्या है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें सीधा सीधा निकल रहा है, 6 और 2 बार रूट में आ चुका है, 98 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, नीचे 2400 का अंडर रूट है। अभी इजी वे में इसको अगर करना हो तो कैसे करेंगे, 2400 का अंडर रूट निकालना भाई बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, तो कैसे होगा, अब तकरीबन इसका निकाल लीजिए कि यार इसके आसपास में क्या हो सकता है। जैसे 40 का अगर मैं स्क्वायर पकड़ूं तो वो निकलता है 1600, 50 का स्क्वायर पकड़ूं तो वो निकलता है 2500, तो ये कितने का हो सकता है, राइट, तो ये हो सकता है तकरीबन 49-48 या 49 के बीच बीच में मुझे ये पकड़ना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 2400 का एग्जैक्टली निकालना, फिर पॉइंटों में आ जाएगा, पॉइंट्स में करना तो भाई बहुत मुश्किल है। तो सीधा यहाँ से पकड़िए 98 बाय 7 बाय 6 और इसको 49 पकड़ लीजिए, राइट, तो यहाँ से सिंपल हो गया ये 7 7, इसको भी काट दी, चाहे डिविजिबल नहीं भी है फिर भी काट दीजिए क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन है। तो 98 डिवाइडेड बाय 7 वैसे कट गया सीधा सीधा, तो ये हमारा एग्जैक्टली आंसर आ गया है 80। ओहो, वैसे मैंने एग्जैक्टली निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी, लेकिन हमारा आंसर एग्जैक्टली आ गया, तो एग्जैक्ट आ गया, तो बाकी आंसर्स को छोड़िए, 84 इज योर आंसर। मैंने कोशिश बिल्कुल नहीं करी है इसको एग्जैक्ट निकालने की, लेकिन आप कह लीजिए कि इसमें एरर होने का कोई चांस ही नहीं था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, एग्जाम लेवल का तो बिल्कुल नहीं था, तो किसी आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया तो मुझे सॉल्व करना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भेजा है मिस्टर आनंद ने समवेयर फ्रॉम दिल्ली, तो आनंद जी आपके लिए है। तो 78% ऑफ 450, राइट, पहले ये है, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे 3.5 3.6 की जगह पे
तीन ले लेता है, क्वेश्चन तो सिंपल बन जाएगा लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होता है बड़े नंबर से, तो वहाँ पे कोशिश कीजिए एग्जैक्ट निकालने की, कम से कम 3.5 इसको लेकर जाइए, 3, 3, 1, थोड़ा 6 आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 3.5 से अगर आप 3 लेकर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो आप कह लीजिए आप 15-20% वेरिएशन पे चले गए हैं, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो देखिए है थोड़े से 25,600 और 17,500 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऑप्शंस में, तो नहीं कर सकते इतना हम। तो 78% ऑफ 450 ये कैसे मैं जल्दी से निकालूंगा, मेरा देख लूंगा कि यार 80% 450 का कितना होता है, 450 का 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 45, ये मेरे दिमाग में चलेगा, 20% 90 हो जाएगा, ये दिमाग में आप चला लीजिए, 20% 90 हो गया, इसका कह लीजिए 80% जो है वो सीधा सीधा मैं क्या करूँगा 45 × 2 90, 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 360, इसका 80% जो है वो 360 आता है। अभी 2% इसका तकरीबन बन जाता है, 1% इसका 4.5 बनता है, 1% इसका 4.5 बनता है, 2% तो ऑब्वियसली 9 बन गया, ठीक है, तो वो मैं 9 माइनस कर दूंगा तो मेरा ये बन जाता है 350। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन या ये वो, देखना आपको देखने की ज़रूरत है कि यार हाँ 450 मतलब इसका 80% 10, ये तो क्योंकि बहुत आसान है, 450 का 10% 45 है, 20% 90 है, 80% 360 है, 360 में से आपने 10 माइनस कर दिए क्योंकि 9 करने थे लेकिन 10 कर दीजिए, क्योंकि इतना वेरिएशन तो आंसर में है, अगर आंसर क्लोज होते तो मैं सोचता भी। इसको मल्टीप्लाई करना है 3.5 लेकर चलिए, हाँ अभी यहाँ पे देखिए, इसको बाद में देखेंगे, अभी इसको देखिए 350 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, 350 का डबल देख लूंगा मैं 700 बनता है, इसको 4 से सीधा डबल, डबल का भी डबल कर देते हैं 700 बनता है, फिर एक और 1400 बनता है, अभी 1400 में से मैं 175 माइनस करूंगा क्योंकि 350 का हाफ, समझ रहे हैं टेक्निक, समझ आई आपको, 350 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना, या तो आपको 35 का स्क्वायर पता, ये बहुत एक पॉइंट है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको 35 का स्क्वायर अभी तक याद नहीं हुआ, अगर तो आपको 35 का स्क्वायर पता है तो वो आप सीधा सीधा यहीं पे निकाल देंगे, सीधा लिख देंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर करना पड़ेगा, ये सब तामझाम करना पड़ता है, फिर आपका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आएगा। जितने आपको टेबल्स याद हैं, जितने आपको क्यूब्स याद हैं, स्क्वायर्स याद हैं, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी एग्ज़ाम के टाइम में भी, अगर आपको टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स ये सब याद हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो बेटर आएंगे, आपका जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं सर स्पीड कैसे इम्प्रूव करें, स्पीड कैसे इम्प्रूव करें, टेबल्स याद करो, क्यूब्स याद करो और स्क्वायर्स याद करो, बस तीन चीज़ कर लो आपका स्पीड इम्प्रूव हो जाएगा, बस दैट्स इट। आप ये अप्रॉक्सीमेशन भी करेंगे, एस्टिमेशन भी करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से होगा। सो 1275 मेरा ये निकल चुका है, राइट, ये एक्स निकालना है मुझे, प्लस 1089 इधर आ जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं तो मेरा तकरीबन आ जाता है 175 और 100 कह लीजिए, 175 प्लस 11 186, ये अगर ऐसे हो, राइट, अभी x निकालना है तो 186 का स्क्वायर क्या होगा, अभी 186 का स्क्वायर ऑब्वियसली मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको 186 का स्क्वायर याद होगा, नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता 186 का स्क्वायर कितना, मैं इतनी देर से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अज्यूम करके चलेंगे कि यार मेरा तकरीबन आंसर कितना आएगा, मतलब मैं आसपास कहाँ हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मैं आसपास कहाँ पे चल रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली आसपास चल रहा हूँ इसके, तो मैं इसको टिक करूँगा और घर आ जाऊँगा, दैट्स इट, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम आपको नहीं करना है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक। अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस करे हैं थोड़ी सी वेरिएशंस आपको मिलेंगी थोड़ी सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं जानबूझ के वेरिएशन पकड़ के चल रहा हूँ, कि क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि आंसर्स बहुत दूर है, 6-7 हज़ार का डिफरेंस, अगर आंसर्स पास पास होते
तो फिर मैं सोचता कि यार अब इसका क्या होगा, इसका मतलब कैसे करूँगा मैं, मतलब इतनी दूर जा रहा हूँ तो कैसे होगा। तब थोड़ा बंदा सोच भी सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पे मेरे को काफ़ी आइडिया लग रहा है। अभी 186 का स्क्वायर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, 200 का स्क्वायर तो आपको आपके माइंड में आइडिया होगा ना, 200 का स्क्वायर कितना होता है, 40,000, राइट। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। अभी यहाँ पे देख लीजिए 186 का स्क्वायर कितना होगा, माइंड में आपके चलेगा 100 का स्क्वायर 10,000 है, 40 का 200 का स्क्वायर 40,000 है, और यहाँ पे 25, यहाँ पे 186 है, किस इसके आसपास क्या होगा, ऑब्वियसली 25,600 होगा ना, एज सिंपल एज इट इज। बहुत सिंपल है, सिंपली आप करके चलें, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं, और मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप में से कई स्टूडेंट्स ने मुझे बिना ऑप्शंस के क्वेश्चंस भेजे हैं, कृपया बिना ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस ना भेजा करें, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं, हम ऑप्शंस के साथ ही सॉल्व करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन मुझे भेजते हैं, ऑप्शंस जरूर भेजें, आंसर चाहे ना भेजें बट ऑप्शंस जरूर भेजें, बिना ऑप्शन के मैं कैसे सॉल्व करूंगा। आई मीन क्योंकि हमारा तरीका ही है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। ऑप्शन अगर ऑप्शन पास पास है तो हम ज़्यादा क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं, अगर ऑप्शन दूर है तो हम तो बड़े आसानी से ऐसे ठाठा करके हम सीधा हम टिक लगा के आ जाते हैं हम। तो दिस इज द वे, ऑप्शंस भेजिए साथ में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 31, 35, इसका आप कह लीजिए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 31, 35 का स्क्वायर रूट कितना होगा। फिर से वही माइंड गेम चलाइए, अगर तो आपको स्क्वायर रूट याद है फिर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद है तो फिर से वही कुछ चलेगा आपका, हिसाब लगा लीजिए 50 का स्क्वायर कितना होता है, 60 का कितना होता है, तो इट शुड बी समवेयर बिटवीन 50 एंड 60, एंड आई थिंक इट शुड बी नियर अबाउट यू कैन से 54, आई थिंक कुछ ज़्यादा 54 या 55 के तकरीबन तकरीबन होगा ये, आप 54 ही पकड़ के चलिए, इट इज 54, 54 नीचे 90 पकड़ लीजिए इसको, राइट। एंड डिवाइड है ऑब्वियसली, तो ये 64 नीचे शफल हो जाएगा, 64 नीचे चले जाएगा, 64 का अंडर रूट कितना होगा, सिंपल अभी 8 का स्क्वायर तो पता होगा ना आपको, 64 तो ये ऊपर चल जाएगा 68, 58, तो इसको सिंपली हम 6900 बना लेते हैं, या इसको हाँ 6900 बना सकते हैं, क्योंकि आंसर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो आंसर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। आप दूर दूर से भी आंसर निकालेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसको 300 पकड़ सकते हैं, इसको 200 पकड़ सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको बाद में देखेंगे, वैसे बाद में क्यों देखना, अभी देख लीजिए 36। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली ये तो निकाल ही दीजिए पहले, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है कर दीजिए बस, मतलब आपके लिए कर रहा हूं मैं, ये ज्यादा हौच पौच हो गया इसकी, अगली लाइन में लिखना पड़ रहा है 54, 690/8, 2/3। अभी बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 6 से उड़ गया ये, एंड यहाँ पे ये 4 पे जाएगा और ये इधर जाएगा, 6, 36 है यहाँ पे, तो ये 6 जाएगा यहाँ पे, तो 230/ नियर अबाउट 24 आ रहा है हमारा एंड में, तो इसका तकरीबन तकरीबन आप कह लीजिए 9.8 या 9.9 इतना का कुछ आ रहा है आंसर मेरा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9.8 है, तो एक्स कितना होगा इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये तकरीबन तकरीबन मेरा आंसर आ गया है 3.2, ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है, और ऑब्वियसली मैं भी टिक करूंगा और घर आ जाऊंगा विदाउट एनी डाउट, क्योंकि बाकी के आंसर बहुत दूर हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालने बैठेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। नंबर्स पे मत जाइए कि 1, 2, 3, 4 बहुत पास पास हैं, बट एक्चुअल में जो आपका क्या कह लीजिए रिलेटिवली ये बहुत दूर है,
मैंने ये क्वेश्चन किया है, फिर भी मैंने अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन की है। फिर भी अगर आप देखें कि 3.2 और 3 मेरी एक्यूरेसी बहुत पास थी। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, ये मुझे नजमा जी ने भेजा है समवेयर फ्रॉम भोपाल। नजमा जी, दिस इज़ फॉर यू। 11.11% ऑफ 585। अभी सबसे पहले 58 का 11% अगर मुझे निकालना पड़े, सबसे पहले तो इसका 10% देख लो कितना है। 58 का 10% जो है, ये मेरा तकरीबन तकरीबन आ गया जी 58। ठीक है, मैं ज़्यादा पॉइंटों में नहीं जा रहा, दूर दूर से कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस मेरे पास बहुत ज़्यादा दूर हैं, पाँच पाँच नंबर दूर हैं। तो इसका 1% कितना आ जाएगा, 5.85, तो इसको 6 पकड़ लें, 58 और 6, 64। चलिए, ये तो मेरा 64 आ गया, सिंपल। माइनस एक्स परसेंट ऑफ, अब इसको एक्स पकड़ लें, सीधा आ जाएगा 72। एक्स परसेंट ऑफ 720 इज इक्वल टू -15.75। यार इसको मैं अगर इधर ले जाऊं तो मेरा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आई विल गेट इट हेयर। तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय 720 ओवर 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस था, इधर भी माइनस था, मैंने माइनस उड़ा दिया, माइनस माइनस कट हो गया। 64 + 16 कर लो आप, 80 आ जाएगा आपका, राइट। अभी तो बहुत सिंपल हो गया ये, एक्स इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सिंपल है ये। तो आपका आंसर जो है तकरीबन तकरीबन पकड़ लीजिए कितना आएगा, तकरीबन तकरीबन आप कह लीजिए कि मेरा आंसर जो है वो आ रहा है, यहाँ पे 90 था, 9 था, तो 100 ओवर आ गया अपना 9, एंड कह लीजिए मेरा तकरीबन तकरीबन 11 आंसर आया है। और यहाँ पे ऑप्शन जो आसपास हैं, 15 बहुत दूर है, 10 बहुत पास है, तो मैं 10 को टिक करूँगा और घर आ जाऊँगा। सिंपल, मतलब आप ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितनी आसानी से हो रहे हैं। आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, अगर आपका आंसर 11 आ रहा है, आंसर 10 है, तो आप स्टेप मार्किंग नहीं है, ये CBSE नहीं है, ये +2 का एग्जाम नहीं है, क्योंकि वहां पे तो 20-25 क्वेश्चन दिए होते हैं और 3 घंटे दिए होते हैं, 20-25-30 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में चले जाइए तो 10-10 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, इसीलिए लोग स्टेप मार्किंग करते हैं। बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैं ये अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर पे इसलिए इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपकी स्पीड इम्प्रूव करेगा लॉन्ग टर्म में, ये आपका बेस बहुत स्ट्रांग कर रहा है। धीरे धीरे नोटिस कीजिए, ये वाली जो आप 3-4 वीडियोस को देखिए, 3-4 लेक्चर्स देखिए, वर्क मेरी जो वर्कशीट है वो देखिए, या IBPS PO का मेगा प्रेप कोर्स है वो देखिए, तो मैं बिल्कुल बेस पहले स्ट्रांग कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, क्वांट का अगर मैं पूरा सिलेबस कवर करने बैठूँ तो 10 दिन में बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी। आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो ये है कि आपकी स्पीड अच्छी हो, एंड मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी स्पीड इम्प्रूव करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ अभी भी कुछ डाउट है, मैं अगली क्लास भी एक ला सकता हूँ, सेकेंड सेशन, अगर आपको कोई डाउट है तो ये मेरा ईमेल आईडी है, raman@bankexamstoday.com, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे मेल कर दीजिए, लेकिन ऑप्शंस के साथ, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस बिना ऑप्शंस के साथ करने मुश्किल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें अपनी जो एक्यूरेसी है वो कितनी लेकर चलनी है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया मुझे कीजिए मेल, चाहे फोटो खींच के भेजिए, नंबर मैं अपना यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं तो पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने GK डाइजेस्ट हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं करी है तो प्लीज़ इंस्टॉल करें, क्योंकि आज का जो RBI ग्रेड बी का पेपर भी था वो बिल्कुल GK में हम जो भी डालते हैं बहुत कुछ मैच कर रहा था। आप GK डाइजेस्ट ज़रूर इंस्टॉल करें, किसी और भी को भी बुक को फॉलो करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं साथ में फॉलो तो कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा न्यूज़ फीड होता है, पूरी PDF सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए। और IBPS PO का मेगा प्रिपरेशन जो कोर्स है,
जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसकी पूरी वर्कबुक्स और बाकी की रीजनिंग की और इंग्लिश की बहुत काफ़ी वीडियोस हैं जो हम शायद यूट्यूब पे शायद नहीं डालेंगे, तो वो सारी वीडियोस आपको IBPSPO मेगा प्रिपरेशन कोर्स में मिलेंगी, राइट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मेरा ईमेल आईडी आपके पास है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कीजिए, दैट इज़ योर चॉइस। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, राइट। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।